बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ रहिए हसीन होने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज एक शायर की बात याद आई है कि कोई खुशबू जैसी बात करो। तो खुशबू की बात हो तो बात होती है जी फूलों की, और फूलों में बात होती है गुलाब की, गुलाब की पत्तियों की। तो आज मैं कुछ जो है गुलाब की पत्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गुलाब की पत्तियों में जो है नेचुरल ऑयल होता है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। हम लोग इसके गुलाब का अर्क भी यूज़ करते हैं, रोज़ वाटर और इसकी पत्तियां भी यूज़ करते हैं अपनी रेमेडीज़ में, लेकिन हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि इसका फ़ायदा आखिर है क्या। तो जो इसमें नेचुरल ऑयल्स हैं वो मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को, और जो उसकी वजह से स्किन हमारी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है। और जो इसकी पेटल्स में जो शुगर है वो बेनिफिट्स है उसके लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। और जी एक और ज़बरदस्त जो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो है जी कि ये रिच सोर्स है विटामिन सी का। तो इसकी जो है रोज़ पेटल का जो पेस्ट बनता है उससे हमारी स्किन हो जाती है ब्यूटीफुल, शाइनी, ग्लोइंग एंड सॉफ्ट। तो आज इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के बाद मैं इससे एक बहुत ज़बरदस्त जो है फेस पैक बना रही हूँ, एक रेमेडी ऐसी बना रही हूँ जो आपकी स्किन को ये तमाम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे आप जो है बेनिफिट्स लेंगे। तो ये रोज़ पेटल्स जो हैं ये मैंने पूरा जो है एक बोल इसका मैंने इसको वॉश करके इसका पेस्ट बना लिया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसका पेस्ट बनाया, ये इतनी सारी रोज़ पेटल्स का इतना सा पेस्ट बना है। तो आपने जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो अपने स्किन पे अप्लाई करना है, हैंड्स पे अप्लाई करना है, जहाँ भी अप्लाई करना है उस लिहाज से जो है आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ दूध की बलाई। दूध, मिल्क, आपको पता ही है दूध जो है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग करता है और स्किन का कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर करता है। और जो ये बलाई है फुल क्रीम उसकी, इसमें फैट है और सारा फैट जो है दूध का ये बलाई में होता है। तो इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ दूध से भी ज़्यादा है, इसमें फैट भी है, इसमें लैक्टिक एसिड भी है, स्किन को जो है मॉइस्चर देगा और स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ये ड्राई मिल्क पाउडर, इससे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो रेमेडी स्टार्ट करते हैं जी। ये 1 स्पून है इसका मैं पेस्ट ले रही हूं। उसके बाद 1 स्पून बलाई, ये दूध की बलाई, इसको हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। बलाई को जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा, जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी आपको उतने ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इतना ज़बरदस्त पिंकी, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के बाद तो इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा एतमाद हो गया है कि स्किन जो है फूलों जैसी हो ही जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसमें ये ऐड करने जा रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसका एक स्मूथ पेस्ट जो है हमने बना देना है अपने फेस के लिए। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, सेंसिटिव स्किन है आपकी, आपकी कम्बिनेशन स्किन है, हाँ थोड़ा जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए ये है कि अगर आप ये पैक यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वॉश करने के बाद आपने जो रोज़ वाटर है उसका शावर अपने फेस पे ज़रूर कर लेना है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ पेस्ट। ये हो गया जी, अब इसको करते हैं अप्लाई, क्योंकि मुझे भी चाहिए ना गुलाबों जैसी रंगत, मैं भी पिंकी पिंकी होना चाहती हूँ। ये कमाल का कलर है और रिजल्ट्स भी कमाल।
इसमें विटामिन सी है, वो जो है ज़बरदस्त स्किन को लाइट करता है, कम्प्लेक्शन को बहुत बेटर करता है। ये जी मैंने कर लिया इसको अप्लाई। इसको आपने जो है 15 मिनट्स तक अपनी स्किन पे, अपने फेस पे, हैंड्स पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। वॉश करके फिर मैं रिजल्ट्स अभी आपके सामने दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, रिजल्ट है आपके सामने। इसको मैंने वॉश किया, कोई सोप वगैरह नहीं लगाया था, और इस पे शाइन देखें और इतनी ज़बरदस्त सॉफ्टनेस, कमाल के रिजल्ट्स हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़बरदस्त स्किन पाइए। आने वाले वेदर में जो है ये बहुत बेनिफिशियल है ड्राई स्किन के लिए। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए आने वाले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की यूनिक वीडियोस आप लोग देखते रहें। तो इख्तिताम इस दुआ के साथ रहिए हमेशा अल्लाह की अमान में।